Hello everyone, welcome back. So let's continue with the second video on chapter number 12 of science standard 8. So पिछले वीडियो में हमने एसिड क्या होता है वो देखा था, बेस क्या होता है वो देखा, और लास्ट में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाई किया. अब इसके आगे का जो दो पेजेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है. तो ये आप आपके साइंस लैब में करेंगे, इसका थियोरी से कुछ लेना देना नहीं है. फिलहाल सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये दोनों जो पेजेस है यहाँ पे उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, कुछ एसिड्स लिए हैं, कुछ बेस लिए हैं. कहीं पे आपको लिटमस पेपर से टेस्ट करना है, कहीं पे आपको मिथाइल ऑरेंज ऐड करना है, कहीं पे आपको फिनॉल फिथिलीन ऐड करना है. तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं कि क्या चेंजेस होते हैं और कैसे पता चलता है कि वो एसिड है कि बेस है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया है एक सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपको पता नहीं है वो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिड है कि बेस है, और आपको मान लीजिए रेड लिटमस पेपर दिया है, और जैसे ही आपने वो लिटमस पेपर जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप किया और वो ब्लू हो गया, तो इससे समझ में आ जाएगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो बेस है. और अगर वो रेड लिटमस पेपर रेड ही रहा तो उससे समझ में आएगा कि वो एसिड है. सो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे उन्होंने दे के रखे हैं जो ऑब्वियसली हम सिर्फ एक साइंस लैब में कर सकते हैं. तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगली थियरी पे जो है यहाँ पे एसिड. सो यहाँ पे अभी पहले जब हमने एसिड के बारे में पढ़ा था तो वो एक जनरल फॉर्म नहीं था, एक स्पेसिफिक फॉर्म था रेदर कि फूड के अंदर एसिड कौन से टाइप के होते हैं. अब हम जनरल फॉर्म पढ़ने वाले एसिड का. सो एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स एच प्लस आयन्स इन सोल्यूशन स्टेट. एग्जाम्पल एच सी एल डिसोसिएट्स इन वॉटर सोल्यूशन. एग्जाम्पल्स ऑफ सम एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. अवर डेली डाइट कंटेन्स अ फ्यू नेचुरल एसिड्स, दे आर माइल्ड इन नेचर एंड हेंस आर नॉट हार्मफुल लाइक मिनरल एसिड्स. A few substances having natural acids are given in the following table. तो ये जो पार्ट है एसिड का उसमें सबसे पहला जो लाइन है उसे आपको मार्क करना है कि एसिड इज सच अ सब्सटेंस विच गिव्स एच प्लस आयन्स इन सोल्यूशन स्टेट. ठीक है, तो इसका मतलब ये हर एक एसिड को आप देख लीजिए, अगर इस सबको सोल्यूशन स्टेट में डाला जाए तो ये सब के सब H+ आयन्स जो है वो डिसोशिएट करेंगे. जैसे कि HCl बनेगा H+ + Cl- जो ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है, जबकि HNO3 बनेगा H+ + NO3- एंड सो. तो ये कुछ एग्जांपल्स है एसिड्स के, हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. तो ये आप अपने नोटबुक में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और यूजेस ऑफ एसिड्स, कोई भी तीन यहां से और कोई भी तीन यहां से. प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज, सबसे पहले वो सार होते हैं टेस्ट में, दूसरा है कि एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोजन आयन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, तीसरा है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और लास्ट है ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड. तो अगर आपको चूज ही करना है तो मैं चूज करूंगा पॉइंट नंबर 1, 2 और 5, क्योंकि ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ पॉइंट ही वापस हम प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं अगर एनी थ्री ही करना है तो. और फिलहाल के लिए आप कोई भी तीन ही करेंगे. सो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन्स हाइड्रोजन आयन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एसिड. वैसे ये पॉइंट भी इजी था, अगर आपको करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है. जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे. अब एसिड्स के यूज देके रखे हैं, कोई भी तीन जो आपको इजी लगते हैं वो आप यहां से पढ़ाई कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेस. बेस को हम अल्कली भी बुलाते हैं. सो
जैसे एसिड जो है वो H प्लस आयन्स देता है, वैसे अल्कली जो है वो OH माइनस आयन्स देगा वाटर सॉल्यूशन के अंदर। सो अल्कली इज अ सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जाम्पल NaOH गिव्स Na प्लस प्लस OH माइनस। तो ये जो OH माइनस है इसे हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। और उन्होंने अलग अलग टाइप के या डिफरेंट बेसिस, यहाँ से हम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये टेबल आपको करना है पूरा का पूरा। तो उसमें ऑलरेडी आपके यूजेस ऑफ एल्कली या यूजेस ऑफ बेस हो गए, और यहाँ से आप कोई भी तीन प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। अब ये जो लास्ट है न्यूट्रलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब जब एक एसिड और एक बेस कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। ये प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एसिड एंड अल्कली कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वी कैन गिव दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। सो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, एसिड प्लस बेस कंबाइंस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, एक एग्जांपल दे दिया और फिर नीचे लिख लिया दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन पे अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली ऑब्वियसली आपको लिखना है और ये टेबल आपको बनाना है। सो यस, विद दिस द चैप्टर इज डन। इट्स अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी सिंपल चैप्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं चैप्टर का। सबसे पहले पहले पेज पे उन्होंने एसिड का टेस्ट बताया है, अलग अलग टाइप के एसिड्स कौन से हैं वो बताया है, जैसे नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल, मिनरल एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल। उसके बाद उन्होंने बेसिस के बारे में बताया, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स। और उसके बाद इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्यों यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज को टेस्ट करना हार्मफुल हो जाएगा और टेस्ट से हर बार नहीं पता चलेगा कि वो एसिड है कि बेस है। इसीलिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं हमें बताने के लिए कि वो जिसके साथ मिक्स हुआ था वो एसिड है कि बेस है। सो उस हिसाब से हमने ये सब पढ़ाई किया। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे हमने, और उसके बाद एसिड और बेस का हमने यूजेस देखा, प्रॉपर्टीज देखे, उसका एक जनरल डेफिनेशन देखा, और फाइनली हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखा। सो बस इतना ही है चैप्टर में। जस्ट गो थ्रू दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस सम्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू लेट मी नो, क्योंकि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है। सो स्टार्ट सॉल्विंग दी एक्सरसाइज, और अगर कुछ डाउट आता है तो मुझे आपको व्हाट्सएप पे पूछना है। दूसरी बात ये है कि आपको जो जो मैंने मार्किंग्स करके दिए हैं वो सब नोटबुक में सॉल्व करके आज शाम को 8 बजे से पहले सबमिट करना है होमवर्क ग्रुप के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।